देखिए दोस्तों कितना तेज बारिश आज आया है, फिर से दोबारा बारिश आया है। देख रहे हैं कितना तेज बारिश है। यहाँ पे देखिए दोस्तों बारिश में कैसे नहा रहा है ललित, घूम घूम के नीचे ऊपर, मतलब ना ये दो बार बारिश में नहा लिया, देख रहे हैं। आज बारिश हो रही है। हाँ अब पापा कहाँ हैं? आज बारिश खूब तगड़ा हो रहा, खूब खूब मजा आ रहा है दोस्तों देखने में। आज मैं ऊपर हूँ तो आज बारिश हो रहा है ना, तो मैं ऊपर हूँ, मैं सो गई थी, थोड़ा सा थकान महसूस हो रहा था तो मैं सो गई थी। उठी तो देखी एकदम काला घनघोर घटा छाया है, एकदम मजा आ गया देख के। आई देखिए कितना तेज बारिश हो रहा है। रिम झिम बादल कड़क रहा है। मेरी सखी भी नहा रही है उधर छत पे, बुला रही है मेरे को, पर मैं नहीं जाऊंगी। बादल गर जाता, नीचे भाग जा सखी। लौका लौकता, लौका में ना जब बिजली कड़कती है तो नहीं रहना चाहिए उधर। सब बच्चे डर के भाग गए, बिजली कड़कना में नहीं रहना चाहिए, हमको भी डर लगता है। अब बिजली फटती भी है ना, इसलिए नहीं रहना चाहिए बाहर। लेकिन खूब बारिश हो रहा तेज तेज दोस्तों, मैं क्या बताऊं। जल चुहता तो दोस्तों सावन का जो होता है ना महीना, वो बहुत ही पावन और सब लोग पूजा पाठ करते हैं एकदम धूमधाम से, पूरा महीना बहुत अच्छा लगता है। आज पूजा है, जय जय माता दी, मैया पार्वती, 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 जय जय माता दी, मैया पार्वती,
तो आज मंदिर में शिव चर्चा हो रहा है, देखिए सब। तो आज शिव चर्चा हो रहा है दोस्तों हमारे यहाँ, और सभी मिलजुल कर गीत गाएंगे और बहुत ही अच्छा लगता है शिव चर्चा। मैं आपको दिखाऊंगी कैसे कैसे गीत गाया जाता है, तो आप लोग भी चलिए हमारे साथ और देखिए कैसे कैसे शिव चर्चा होता है। तो देखिए दोस्तों हमारा हो गया है लंच टाइम। दे दो दादा के बिस्कुट, दे दो दादा के बिस्कुट, दे दो देखी कि नहीं ना बोल बता, उठबे ना हटबे ना कर। रवो के चराए घास ना खानी छ। हां हां रोटी खानी छ। तो बाबूजी घूमने जा रहे हैं, घूम रहे हैं क्योंकि इनको डॉक्टर बताया है कि घूमिए सुबह शाम, और जैसे जैसे डॉक्टर बताए हैं वैसे वैसे फॉलो कर रहे हैं। शायद कुछ ही दिनों में बाबूजी चलने लगे अच्छे से। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो देखिए आज ना सुबह सुबह ही मैं ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वैसे तो लाला जी नहा वाली हैं, पूजा भी कर लिए हैं, और चलते हैं हम घर पे। ललित का इधर कपड़ा लेके जा रही हूँ, धोई थी ना तो सूखा है बाहर ही, बरसात का सीज़न है तो मतलब थोड़ा कपड़े सूखने में प्रॉब्लम होती है। तो ललित को बोली थी कि तुम भी नहा लो, और ललित देखते हैं क्या कर रहा है। गाना सुन रहा है तो नहा रहा है ललित। देखिए आसमान कितना साफ है, बिल्कुल साफ। और बारिश तो आएगा ही क्योंकि पक्का बारिश आएगा, क्योंकि बहुत उमस है। तो रख देती हूँ, आएगा नहा के तो कपड़ा पहनेगा ये। तो ये काम कर रहा था लेकिन हाँ आओ तनी, लाला जी बुला रहे हैं। तो देखिए ये ललित अपना कुछ काम कर रहा था, अभी नहाने चला गया है। इधर रखी हूँ, कपड़ा तो सूख जाता है लेकिन थोड़ा बारिश है ना, तो बारिश की वजह से हमको बाहर सुखाना पड़ा था। और ललित देखिए सोता है यहीं पे, और मैं यहाँ नीचे सो जाती हूँ, तो ऐसे ही हो रहा है, बच्चे नहीं हैं तो ऐसे ही हो रहा है। गया है नहाने, और एसी देखिए चालू करके ही चला गया है। रूम एकदम चिल्ड हुआ है। मेरे को ठंडा ज़्यादा पसंद नहीं है, मैं ज़्यादा जैसे रहती हूँ रूम में तो मैं बोलती हूँ एसी वगैरह नहीं चलेगा, लेकिन इसको तो ज़रूरी है। तो पिछले साल जो हम लोगों का इतना तकलीफ़ होता था जैसे बरसात में, वैसा तो कुछ नहीं है, बहुत ही आराम हो गया है घर बनने से, काफ़ी आराम हो गया है। और कपड़े सुखाने के बाद से तो जैसे धूप हुई है आज, तो कपड़े खूब सारा सूख जाएंगे। लेकिन क्या हुआ ना कि ललित ना जैसे धोता है कपड़ा तो फिर सही से नहीं धोएगा,
तो इसलिए मैं बोली कि तुम मेरे को ला के दे देना है। लेकिन सभी को धोना चाहिए कपड़ा, वैसे तो सब बड़े हो रहे हैं, तो मैं बोली कि तुम अपना कपड़ा धोने के लिए हमको दे देना, तो वही दे दिया था। लेकिन आज खुद धो रहा है। जट्टी दी मसूक दुईबा रूम में नहा रहा, अभी मैं चलती हूँ नीचे। तो नीचे वाला रूम में लाला जी सोते हैं फिलहाल, अभी जब से बच्चे गए हैं। और आज सोच रहे हैं हम लोग कि किचन में कुछ सामान वगैरह ला के रख लें, कि मतलब बरसात हो तो हम लोगों को दिक्कत ना हो, उधर जाना ना पड़े बार बार। आप लोग तो देखे ही वहाँ पे, मतलब जाना तो उतना मुश्किल नहीं है फिर भी, लेकिन सांप वगैरह आ जाते हैं ना तो थोड़ा टेंशन लगता है। लाली बोलता है रात को उधर नहीं जाऊँगा मैं, आप ऐसा करो किचन अपना शिफ्ट कर लो। तो वही सोच रहे हम लोग आज किचन शिफ्ट करेंगे, इसमें सामान वगैरह जैसे खाना वाना बनाने के लिए। वही दोस्तों देखिए लंच के टाइम में फ्रूट तो ख़त्म हो गया है, ये सेब बचा है, इसको भी थोड़ा कीड़ा लग गया है। और एक ये है, इसमें भी थोड़ा दाग धब्बा है, इसको काट कुट के यही लंच में लूँगी। ये गाजर है और एक खीरा है, यही लंच में लूँगी। तो गर्मी तो काफ़ी है दोस्तों, लंच का समय हो गया है, आप लोग भी लंच कर लीजिए। और टाइमली अगर हम लोग लंच नहीं करते हैं उससे भी हमारा वज़न बढ़ता है, मतलब अब जाके हमको पता चल रहा, पहले तो नहीं पता लगता था, कभी 2 बजे खाएं कभी 3 बजे खाएं ऐसा होता था। तो अभी दाल चावल बना है तो दाल चावल भी खाएंगे, लेकिन सबसे पहले हमको फ्रूट ही खाना है, फ्रूट से पेट भर लेना है, और उसके बाद थोड़ा सा दाल चावल खाऊंगी, मतलब पेट भर ही जाएगा, पेट भर के ही खाना है, लेकिन ध्यान में रखते हुए खाना है। तो ये सब चीज़ हम डाइट फॉलो कर रहे हैं, फिर जाके हमारा वेट कम हो रहा है, 5.5 किलो तो कम हो गया है अभी तक, और आगे देखिए कितना हमको, हमारा जो मिशन है गोल है वो कम से कम 25 किलो कम करने का है, 55 किलो आना है। ठीक है, तो पहले जो मेरी गर्दन थी ना वो ऐसे भिजी रहती थी, अब थोड़ी सी लग रहा कि हाँ गर्दन बचा हुआ है, नहीं तो थोड़ा और मोटा हो गया था। तो 5-5.5 किलो में कोई ज़्यादा फर्क तो नहीं पड़ा है, लेकिन आने वाला टाइम में आप लोगों को फ़र्क दिखेगा। तो अभी सबको ही लंच करेंगे हम और लाला जी, और लकी बोल रही हूँ लकी का नाम याद आ रहा है, ललित अभी घर पे ही है, अभी आएगा थोड़ी देर में। तो मैं इधर आ गई थी चावल चढ़ाने के लिए, चावल चढ़ाई, और अभी कम से कम 10-12-15 दिन हो गया है। ललित अपने दादा का सारा ख्याल वाल रखता है, सब कुछ करता है वही, और उनका दवाई चला रहा है, और वो काफ़ी ठीक है पहले से बाबूजी हैं, तो अच्छी बात है, जो चाहता है वो ललित हो जाए, भगवान करे, मैं तो यही मना रही हूँ कि वो हो जाए तो अच्छी बात है, और उनके लिए भी अच्छा है, हम लोगों के लिए भी अच्छा है। तो बस देखते रहिए आप लोग हमारा अनीता जी का दुनिया, और इसी तरीके से अपना प्यार सपोर्ट देते रहिए। बच्चे तो नहीं है लेकिन अच्छा नहीं लगता है, लेकिन क्या कीजिएगा, जो भी है उसके साथ खुश रहने का इंसान कोशिश करता है ना। तो अभी मैं जा रही हूँ फ्रूट खाने, क्योंकि खाना खाने से पहले फ्रूट सलाद खाना है, उसके बाद ही खाना खाना है। ललित भी आ गया, खाना हो गया तैयार। ललित का भी वजन कम हुआ है, 3.5-4 किलो। आप लोग बताइएगा कम हुआ है कि नहीं हुआ है। मैंने घूम मैंने कोलाई में जो है देख लीजिए ललित का पेट वोट नाप लीजिए, इधर लाला जी का भी पेट देख लीजिए नाप लीजिए। मेरा भी 4 किलो घटा दिए तू। पापा का 71-72 था, अभी 69 हो गया है। 68 पे है। पापा बोलते थे उनको जरूरत ही नहीं है वेट लूज करने। हाँ भाई आपको देखिए जरूरत नहीं है, खाली पेट अंदर चला जाए ना फिर तो सलमान खान लगोगे।
हाँ, मैं ऐश्वर्या राय। तो मैं हेमा मालिनी लगूंगी, लाला जी धर्मेंद्र लगेंगे। एक माला पहने है बोलबम का, देखिए बच्चों जैसा माला पहने, ललित को पहना रहे थे, ललित नहीं पहना तो खुद पहन लिया। शंकर भगवान का प्रसाद है तो क्या, शंकर भगवान का प्रसाद है, देख लीजिए।